नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेस्ट मैच के सारे रूल्स। वैसे दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले बताई थी, उसमें कुछ ही रूल्स कवर किए थे मैंने, सारे नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैं आपको अब सारे बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉस से। जैसे वनडे और T20 में टॉस होता है, वैसे टेस्ट में भी टॉस होता है, और जो भी कैप्टन टॉस जीतता है उसकी मर्जी होती है, वो चाहे तो बैटिंग कर ले चाहे तो वो बॉलिंग कर सकता है। कर लेते हैं ड्रेस की। जो टेस्ट में ड्रेस पहनी जाती है वो कोई सी भी टीम क्यों ना हो व्हाइट ड्रेस ही पहनती है, और यहाँ तक कि अंपायर भी व्हाइट ड्रेस में ही होता है। बात करीजिए टेस्ट की, तो टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डे वाला और दूसरा होता है डे नाइट वाला। डे वाले टेस्ट को रेड बॉल से खेला जाता है और डे नाइट टेस्ट वाले को पिंक बॉल से खेला जाता है। करी जाए प्लेयर कितने होते हैं एक टीम में, तो जैसे कि ODI और T20 में 11-11 प्लेयर होते हैं एक टीम में, वैसे ही यहां पर भी 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। करी जाए इनिंग्स की, तो एक टेस्ट मैच में 4 इनिंग्स खेली जाती हैं। अगर एक टीम के ऊपर फॉलो ऑन नहीं हुआ या फिर एक टीम हारी नहीं, तो फिर 4 इनिंग्स खेली जाती हैं पूरी, जिसमें से एक टीम 2 इनिंग्स खेलती है और दूसरी टीम भी 2 इनिंग्स खेलती है। तो एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। अगर बारिश हो गई या फिर वो हुआ तो वो कम का हो जाता है, लेकिन वैसे 5 दिन का होता है। करी जाए ओवर्स की, तो एक दिन में 90 ओवर्स कराने होते हैं। अगर बारिश हो गई या कुछ हो गया तो कम हो जाते हैं, लेकिन वैसे 90 ओवर कराने होते हैं, जो कि 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहले सेशन में 30 ओवर होते हैं, फिर लंच होता है, फिर 30 ओवर होते हैं, फिर टी ब्रेक होता है, और फिर 30 ओवर और होते हैं। क्रिकेट रिव्यू की, पहले दोस्तों 2 रिव्यू हुआ करते थे, लेकिन कोविड के बाद से रूल चेंज हो गया है और अब एक टेस्ट मैच में 3 रिव्यू कर दिए हैं। टेस्ट में एक रूल भी नया आया है, वो है सलाइवा का रूल। यहाँ पे सलाइवा के रूल में एक बार अगर कोई प्लेयर सलाइवा लगा दे बॉल में, उसके बाद खैर उसे वार्निंग मिलती है, लेकिन अगर ये काम उसने दूसरी बार कर दिया तो फिर फाइन के तौर पर दूसरी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बात आता है डिक्लेयर रूल। अगर किसी टीम को लगे कि मैंने सफिशियंट रन बना दिए हैं दूसरी टीम के लिए, तो अपनी पारी कभी भी घोषित कर सकती है और कह सकती है कि मुझे बस इतना ही खेलना है, अब दूसरी टीम आए और इसके आगे खेले, हमारी टीम ने खेल लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं खेल सकती है। अगर उसकी वो फर्स्ट इनिंग होगी, वो चाहे तो सेकेंड इनिंग में दोबारा खेल सकती है। पर बात करी जाए टेस्ट मैचेस में आउट कैसे होते हैं, तो वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि T20 और ODI में जैसे कि कैच, रन आउट, बोल्ड, जितने भी तरीके हैं इन दोनों में, वैसे ही टेस्ट मैच में भी आउट होते हैं। जैसे नो बॉल की, तो फुट की नो बॉल तो होती है, और जो चेस्ट के ऊपर वाली होती है, अगर आपने डायरेक्ट करा दी है मतलब चेस्ट के ऊपर, तो वो भी नो बॉल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट नहीं दी जाती है जैसे कि ODI और T20 में दी जाती है, जिसमें आप जितनी चाहे उतनी बाउंसर्स मार सकते हैं। करी जाए इंजर्ड प्लेयर की, तो इंजर्ड प्लेयर तो एक तो सिंपल होता है, जैसे कि आपको चोट लगी ग्राउंड में तो बाहर से एक प्लेयर आएगा और आपकी जगह फील्डिंग कर लेगा आके। लेकिन अब एक और आ गया है कंसकशन सब्स्टिट्यूट। इसमें अगर आपके सर पे चोट लग गई है, बॉल लग गई है, तो फिर आप बाहर जा सकते हैं और आपकी जगह दूसरा प्लेयर आएगा। अगर आप बॉलर हैं तो फिर वहाँ पर बॉलर ही आएगा, अगर आप बैट्समैन हैं तो वहाँ पर वो बैट्समैन ही आएगा। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो टीम की मर्जी होती है, बॉलर लाना चाहे तो बॉलर ले आए, बैट्समैन लाना चाहे तो बैट्समैन ले आए, लेकिन वो दोबारा नहीं खेलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, जिस प्लेयर के चोट लगी है सर पे। बात कर लेते हैं फॉलो ऑन की। फॉलो ऑन को मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए इंडिया खेल रही है, पहली इनिंग्स में इंडिया ने बनाए हैं 300 रन, तो दूसरी जब टीम आएगी पहली इनिंग्स में ही फॉलो ऑन दिया जाता है, ठीक है ना, तो फिर उसे कम से कम 100 रन से ऊपर रन बनाने होंगे। अगर 100 रन से कम बनाए मतलब 200 रन छोड़ दिए, तो फिर आपको फॉलो ऑन मिल जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इंडिया ने बनाए 500 रन, तो दूसरी टीम आएगी उसे कम से कम 300 रन तो बनाने ही होंगे। दोस्तों कुछ और तरीके से मिलता है, जैसे मान लीजिए कि बारिश हो गई और टेस्ट मैच रह गया सिर्फ 3 और 4 दिन का, तो फिर फॉलो ऑन जो दिया जाएगा वो 150 रन पे दिया जाएगा। अगर 2 दिन का रह गया है तो भी 100 रन पे दिया जाएगा। अगर 1 दिन का मैच है तो फिर 75 रन पे आपको फॉलो ऑन दिया जा सकता है। कर लेते हैं अंपायर्स की, तो अंपायर्स में 3 अंपायर होते हैं और 1 मैच रेफरी होता है, जिसमें 2 ऑन फील्ड अंपायर होते हैं और 1 थर्ड अंपायर होता है जो कि टीवी स्क्रीन में देख के डिसीजन देता है। और एक रूल अभी चेंज हुआ है कि पहले
पहले ऐसा हुआ करता था कि जो दो टीम का मैच हुआ करता था उनका कोई भी अंपायर वहाँ पे मैच में नहीं रहा करता था, लेकिन कोविड की वजह से अब वहाँ पे अलाउ कर दिया है, अब किसी भी टीम का वहाँ पे अंपायर रह सकता है। बात कर लेते हैं बॉल की, नई बॉल कब लाई जाती है। एक तो तब लाई जाती है जब 80 ओवर हो जाते हैं, उसके बाद तब लाई जाती है जब कोई नई इनिंग शुरू होती है, या फिर नई बॉल तब लाई जाती है जैसे बॉल का थोपड़ा बिगड़ चुका है और बॉल दिख नहीं रही है, या फिर उसमें किसी ने टेम्परिंग कर रही, कोई छेड़छाड़ कर दी बॉल से, तभी भी नई बॉल लाई जा सकती है। करते हैं मैच ड्रॉ कैसे होता है। दोस्तों मान लीजिए 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, मैं कहूँगा 2 या 3 दिन का भी हो जाता है बारिश की वजह से कभी कभी, जो टीम चेस कर रही होती है, जिसे रन बनाने होते हैं, वो आखिरी दिन तक वो रन भी नहीं बना पाए और विकेट्स भी उसके हाथ में हो, तो फिर ही मैच ड्रॉ होता है। लेते हैं टेस्ट मैच कैसे जीता जाता है। दोस्तों दो तरीके होते हैं, एक तो टेस्ट मैच के जो टीम चेस कर रही होती है वो रन बना ले और विकेट्स भी उसके हाथ में रहें, इसके अलावा या फिर दूसरी जो टीम है जो फिर उसे चेस करने का टारगेट जिसने टीम ने दिया है वो उसे उतने रन बनाने ही ना दे और विकेट सारे ले ले, इस तरीके से टेस्ट मैच जीता जाता है। सारा काम जो टीम 5 दिन के अंदर कर लेती है वो मैच जीत जाती है। कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।